हाय फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेटेस्ट अपडेट में मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण सूचना। सूचना यह है कि वर्तमान में उत्तराखंड के विभिन्न जनपद में जनपदवार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 से संबंधित काउंसलिंग लिस्ट जारी हो रही है। काउंसलिंग से संबंधित तिथियाँ जारी हो रही हैं। चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट schooleducation.gov.in पर प्रकाशित हो रही है। तो जनपद चमोली की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, साथ ही काउंसलिंग की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। इस सत्र में हम इस पर डिस्कस करेंगे, आराम से सेशन को वॉच कीजिए। यह विज्ञप्ति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली से निर्गत हुई है और इसकी तिथि है 29 अक्टूबर 2021, यानी 29 अक्टूबर 2021 की यह विज्ञप्ति है। प्रेषक हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली। और यह schooleducation.gov.in पर प्रकाशित की गई है। विषय है इसमें सहायक अध्यापक राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रथम प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि जनपद चमोली के दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची आपकी सेवा में इस निवेदन के साथ प्रेषित की जा रही है। संबंधित सूची एवं विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा कीजिएगा। तो यह विज्ञप्ति, यह सूची, यह PDF उत्तराखंड से संबंधित जो schooleducation.gov.in की वेबसाइट है उस पर अपलोड की गई है। फिर अगली विज्ञप्ति यहाँ पर स्पष्ट की गई है, इसमें काउंसलिंग की तिथियां घोषित की गई हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। यह विज्ञप्ति भी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली से निर्गत हुई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 20 नवंबर 2020 के द्वारा उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी के क्रम में इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग निम्न अनुसार अधो हस्ताक्षर के कार्यालय में आहूत की गई है। तो यहाँ पर दो तिथियां काउंसलिंग के लिए निर्धारित की गई हैं, घोषित की गई हैं, दिनांक 1 नवंबर 2021 और 2 नवंबर 2021। 1 नवंबर को काउंसलिंग होगी विज्ञान वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों की, जैसे PCM वाले, ZBC वाले, ZBG वाले, इस प्रकार के जो भी अभ्यर्थी हैं विज्ञान वर्ग के, उनकी काउंसलिंग 1 नवंबर 2021 को होगी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा गोपेश्वर में और प्रातः 11 बजे से। और 2 नवंबर 2021 को होगी विज्ञानेतर वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों की, समय सेम रहेगा 11 बजे सुबह। तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड की गई है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या ये PDF आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, यूअर सिलेक्शन श्योर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन किया गया है। या आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूअर सिलेक्शन श्योर, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, आप इसमें अपना नाम देख सकते हैं। फिर स्पष्ट किया गया है कि अतः विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार अभ्यर्थी उक्त तिथि को आहूत काउंसलिंग में अपने समस्त मूल शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां साथ लेकर आएं। काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको अपने समस्त शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ले जाना है एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां वहां पर ले जानी है। तो ये स्पष्ट किया गया है, साथ ही इसकी प्रतिलिपि राष्ट्रीय सहारा एवं हिंदुस्तान में भी प्रकाशित करने के लिए भेजा गया है। तो जो राष्ट्रीय सहारा न्यूज़ पत्र है और हिंदुस्तान न्यूज़ पत्र है उसमें भी ये छपी है। साथ ही ये पूरी PDF यहाँ पर जारी की गई है, 26 पेजों की PDF है। इसे मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूअर सिलेक्शन श्योर और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। या हमारा फेसबुक पेज है यूअर सिलेक्शन श्योर नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम लेटेस्ट अपडेट हमेशा शेयर करते रहते हैं, ताकि जॉब्स हो या कोई अदर्स इम्पोर्टेंट अपडेट हो उससे आप भली
भांति जल्दी समय पर विज्ञ हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और आप जॉब से संबंधित किसी भी लेटेस्ट अपडेट से हमेशा इन्फॉर्म रहें। तो काफ़ी बड़ी है पीडीएफ है, 26 पेजों की, इसे मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। इसमें कुछ डीएलएड और बीएड वालों का सिलेक्शन हुआ है, अधिकांश अभ्यर्थी डीएलएड से संबंधित हैं, कुछ अभ्यर्थी बीएड वाले हैं। तो आप इस पूरी पीडीएफ को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भगवान करे आपका नाम इसमें हो।